हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 23। जूट जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। जूट जो है सबसे सस्ते फाइबर्स में से एक है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। इट इज़ मोस्ट एक्सटेंसिवली मोस्ट यूज टू द नेक्स्ट टू द कैम कॉटन अमाउंट प्रोड्यूस द वेराइटी ऑफ यूजेज। कॉटन के बाद जिसके वेराइटी ऑफ मतलब कई तरह के यूज हैं वो है जूट। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, यह प्लांट की स्टेम से मिलता है। कॉल्ड पैट्सन विच इज़ द 8 to 10 फीटर 10 फुट लॉन्ग, जिसकी लंबाई 8 से 10 फुट की होती है। इट इज़ अ रेनी सीजन क्रॉप, यह एक बारिश की फसल है। ग्रो बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर, और ऐसी जगह उगता है जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो और ह्यूमिड हो। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड जूस कल्टिवेटेड इज डन इन द गंगा डेल्टा। अधिकतर 85% जो जूट है वो गंगा डेल्टा के तरफ उगाया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड इन बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड इंडिया। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन, और इंडिया में कहाँ उगता है? बिहार, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। जूट इज वर्ल्ड चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। जूट जो है वो दुनिया का सबसे सस्ता फाइबर है। इट इज नेचुरल फाइबर है। इट इज रिक्वायर इन एन आइडियल टेम्परेचर रेंज। इसका जो आइडल टेम्परेचर रेंज होना चाहिए वो 80 डिग्री सेल्सियस टू 33 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी इन द रेंज ऑफ 70% to 80%। ग्रो वेल, इसमें ये ज़्यादा अच्छे से उग जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन द फ्लावरिंग स्टेज, जब ये फ्लावर की स्टेज में आ जाता है तब इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। इट इज प्लांट अलाउड टू द मेच्योर एंड द फाइबर्स बिकम वेरी हार्ड। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक इसे पानी में ही रखते हैं। द स्टेम रॉड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, उसके बाद इसे हाथों से अलग करते हैं। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड रेटिंग, इसे रेटिंग बोलते हैं। द ड्राइड फाइबर आर देन ट्राइड टूगेदर इन अ स्मॉल बंडल, फिर जब ये सूख जाता है तो इसे एक बंडल में बांधते हैं टू मेड फैब्रिक, उसके बाद इससे फैब्रिक बनता है। ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, और सारे फाइबर हो कुछ भी उसे सबसे पहले धागे में कन्वर्ट किया जाता है। अब जूट के क्या क्या काम है। जूट इज सेड टू बी मोर देन अ थाउजेंड्स ऑफ यूजेस, कम से कम हज़ारों उसके इस्तेमाल हैं। इट इज़ यूज टू मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल, स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल में काम आता है सच एज गनी बैग्स एंड रोप, जैसे कि रस्सी बनाना। इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग कारपेट एंड हैंड बैग बनाने के काम आता है। इट इज़ यूज फॉर द चीफली मेकिंग टू क्लॉथ, रैपिंग, बैंगल्स, रॉ कॉटन एंड इट इज़ यूज टू द रॉ मटेरियल टेक्सटाइल नॉन टेक्सटाइल एग्रीकल्चर सेक्टर। फाइनली क्वालिटी ऑफ जूट इज़ ऑल्सो मेकिंग द जूट फैब्रिक्स। अब ये डिपेंड करता है, जैसे कि जूट फैब्रिक भी बनता आता है, ये जूट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क इज नेचुरल फाइबर। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है विच इज़ वोवेन मैन्युफैक्चर एक्सपेंसिवली टेक्सटाइल, जो कि मतलब महंगे तरीके से बनाया जाता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून, ये कुकून से बनता है ऑफ द सिल्क बोम के। द रियरिंग ऑफ सिल्क बोम आर लार्ज स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन नॉन सेरीकल्चर, और जिस जगह सिल्क का बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क बोम इज रियर्ड फॉर द मुलबेरी लीव्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क वॉर्म को मुलबेरी लीफ पर रखा जाता है सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। अ कैटरपिलर हैचेस फ्रॉम द एक एग। एक कैटरपिलर जो एक बटरफ्लाई का बेबी होता है, जब वो अंडे से बाहर आता है, एज अ मैच्योर इट स्पाइंस अ कंटिन्यूस थ्रेड ऑफ द 800 मीटर लॉन्ग फॉर अ ककून, तो वो कम से कम 800 मीटर लंबा थ्रेड बनाता है धागा। एट दिस स्टेज सिल्क वॉर्म इज किल्ड बाय द डिपिंग ऑफ द ककून एंड बॉइलिंग वाटर एंड किल द इंसेक्ट ऑफ द लूज इन द कुकून। कुकून को लूज करने के लिए उसके इंसेक्ट को मार दिया जाता है। यूजेज ऑफ सिल्क, नॉन अब्जॉर्बेबल स्ट्रक्चर यूज इन द सर्जरी मैन्युफैक्चर फ्रॉम सिल्क, मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स। चाइनीज डॉक्टर यूज सिल्क टू मेक आर्टिफिशियल आर्टरीज, चाइनीज डॉक्टर भी सिल्क का यूज करते हैं आर्टिफिशियल आर्टरीज बनाने के लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ पैराशूट्स एंड आर्टरीज गन पाउडर बैग्स।